गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे सारे फ्रेंड्स को। तो सुबह का समय है और सुबह के समय 8 बजे हैं और मैंने अपना दिन ये प्यारे प्यारे फूलों से शुरू करा है जो कि मेरी बहन ने मुझे भेजे हैं। साथ में बड़ा क्यूट सा केक भी है जिसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो मैं अपना दिन जो है शुरू कर रही हूँ एज यूजुअल मोरिंगा हाइबिस्कस ग्रीन टी से। मुझे आप प्लीज़ बताना आप भी क्या चाय या कॉफ़ी या गर्म पानी या जीरा पानी या अजवाइन पानी किससे अपना दिन शुरू करते हैं। तो मैंने तो शुरू सुबह के समय अपने बड़े सुंदर स्पिरिचुअल मैं गाने लगा लेती हूँ और कभी कभी भजन भी मैं सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह का समय। तो मुझे ज़रूर बताना आप कैसे अपना दिन शुरू करते हैं। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में खाया था गर्म गर्म इडली, साथ में एक वड़ा लिया था, सांभर लिया था और साथ में मैंने फली की चटनी ली थी, मतलब मूंगफली की। और हाँ, आज मेरा जो एक पार्सल आया है तो चलो उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो वो जो है मैं वैक्यूम क्लीनर लेकर आई हूँ, जो मेरा पुराना वाला है वो ख़राब हो गया है। तो इस बार जो है मैंने ब्लैक एंड डेकर का वैक्यूम क्लीनर लिया है। खोलते ही सबसे पहले इसके ऊपर कुछ पैम्फलेट्स टाइप के आ रहे थे। उसके बाद जब मैंने अनबॉक्स करा और बॉक्स को जब खोला तो इसके अंदर पहले कुछ अटैचमेंट्स थी, जैसे पाइप्स जैसी होती हैं वो होती हैं जिससे हम सक करते हैं कोई भी गंध वगैरह, यू नो, तो बहुत हैंडी आता है। तो मैंने जो है ये वैक्यूम क्लीनर लिया क्योंकि यू नो कई जगह होती हैं जैसे कॉबवेब्स लग जाते हैं। और इसको जब मैंने खोला तो इसके अंदर कुछ अटैचमेंट्स पड़े हुए थे, कारपेट्स क्लीन करने के लिए, कर्टन्स क्लीन करने के लिए, बेड के नीचे जहाँ पर हम क्लीन नहीं कर सकते कभी कभी, तो ये बहुत ही हैंडी होता है। तो मैंने ये खरीद लिया। तो आज यू नो शाम के जो समय होता है 5 बजे का समय होता है और अगर खाना आप अपना लंच 1 o'clock खा लें तो उस समय काफ़ी भूख लगती है। तो मैंने पम्पकिन सीड्स, मखाना रोस्टेड, वेजीज कभी कभी खा लेती हूँ मैं, बॉइल्ड वेजीज हमस के साथ, या मैं चने बड़े शौक से खाती हूँ, यू नो काले चने जो रोस्टेड होते हैं, पम्पकिन सीड्स, कभी क्रीम क्रैकर्स होते हैं उन्हें खा लेती हूँ। मुझे बताना आप शाम के समय अगर आपको भूख लगती है तो आप क्या खाते हैं। तो मैंने गाड़ी पार्क कर दी है और मैं चल रही हूँ, पर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है। पर आज जो है बहुत जगह सेल लगी हुई है, फेस्टिवल्स शुरू हो गए हैं। तो मैं सबसे पहले जाऊंगी आइकिया जाऊंगी, फिर डीमार्ट जाऊंगी, फिर वेबसाइट में भी सेल काफ़ी लगी हुई है और जो लोकल स्टोर्स हैं मैं वहाँ पर भी थोड़ा सा जाके शॉपिंग करूंगी। मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है जैसे कर्टन्स बदलने, मुझे सोफ़ा नहीं कुशन कवर्स लेने हैं, डिनर नैपकिन्स लेने हैं, फिर मुझे छोटे छोटे जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं, टी मग्स होते हैं, कॉफ़ी मग्स होते हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं। तो एक एक स्टोर में जाएंगे और देखेंगे कहाँ पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है और उसके हिसाब से मैं शॉपिंग करूँगी। ये जो कंटेनर्स हैं बहुत ही सुंदर हैं, स्पेशली यू नो कुछ भी खाना वगैरह बच जाता है, लेफ्ट ओवर्स होते हैं, उनको फ्रिज में स्टोर करने के लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहते हैं। मुझे जो मग्स थे सबसे अच्छे मग्स जो है मुझे डीमार्ट में लगे और बहुत सुंदर सुंदर मग्स थे। तो फिर से चल पड़ी हूँ मैं, काफी बारिश हो रही है पर मुझे बारिश में घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, अगर आपने मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है तो उसे प्लीज जल्दी से लाइक कर दे। बाहर बहुत ही सुंदर है, थोड़ी थोड़ी लग रहा है कि यू नो हल्की हल्की ठंड है। अफकोर्स अंदर एसी तो चल रहा था पर फिर भी लग रहा था ये ठंड है। तो काफ़ी सारा सामान मैंने खरीद लिया और उसको जो है मैं धीरे धीरे अपने घर में लगा दूंगी। फेस्टिवल्स आ गए हैं, थोड़े दिन में रक्षाबंधन भी है, ऐसे करते करते नेक्स्ट मंथ काफ़ी सारे फेस्टिवल्स एक के बाद एक आते जाएंगे। तो मैंने काफ़ी सारे रग्स खरीदे हैं, 2 कारपेट्स खरीदे हैं, फिर मैंने कर्टन्स खरीदे हैं, अभी भी मुझे बेडशीट्स खरीदनी है।
मग्स काफ़ी सारे मैंने खरीदे, मुझे मग्स खरीदना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली कॉफ़ी मग्स। मैंने कांच के कंटेनर्स भी खरीदे हैं और थोड़े से ओजीवा के प्रोडक्ट्स खरीदे हैं जो कि मुझे बहुत ज़रूरत है उनकी, तो मैंने वो सब खरीदा है। कंटेनर्स काफ़ी सारे खरीदे हैं और ऑफ कोर्स फेस्टिवल टाइम है तो खुश तो रहना बनता ही है। सबको मैंने इन्हों एक बार धो दिया था, जो भी मैं कंटेनर्स बाहर से जो भी खरीद के लेकर आई उनके ऊपर से स्टिकर्स उतार दिए, प्लस उनको अच्छी तरह से मैंने एक वॉश कर दिया। अभी जो है सामान ऐसे ही रख दिया है, उनको धीरे धीरे से मैं लगाऊंगी। आई रियली लाइक दिस वाइट मग, ये कंटेनर मुझे काफ़ी अच्छे लगे, ऐसे में आई थिंक 6 लेकर आई टोटल। अच्छी तरह से धोकर सुखा के फिर जो है सारे डब्बों को मैंने यूज करा है। प्लास्टिक का आई थिंक 99% मेरे घर में से मैंने निकाल दिया है सब, स्पेशली बॉटल्स वगैरह। एंड गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, वेबसाइट पे भी काफ़ी सुंदर यू नो स्पेशली प्लांट्स वगैरह आर्टिफिशियल प्लांट्स थे पर एकदम लग रहे थे जैसे रियल हैं, तो मैंने थोड़ा सा सामान बाहर से भी लिया है, एक दो प्लांट्स लिए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ग्रीन प्लांट्स। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।